दोस्तों, बहुत दिनों से दिमाग को काम पर नहीं लगाया है तो आज इस मूवी में अपने दिमाग की कसरत करवाने के लिए तैयार हो जाइए। IMDb पर 7.5 की रेटिंग रखने वाली ये मूवी अचानक मेरे रिकमेंडेशन में आ गई और फिर जब मैंने इसको देखा तो इसकी स्टोरी लाइन ने मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए, इसलिए आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में 3 प्लॉट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइमलाइंस में फंक्शन करते हैं, इसलिए मैं इस मूवी को आपको अपने हिसाब से सिंपलीफाई करके एक्सप्लेन करूंगा, जिसके लिए मैं कुछ सीन्स को आगे पीछे भी करूंगा ताकि एंड तक आप पूरी मूवी के प्लॉट को ठीक से समझ पाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दिमाग की कसरत होने वाली है, तो ध्यान से इस मूवी को देखना। खैर, अब मूवी की शुरुआत होती है और इसका पहला प्लॉट हमें करीब 8 महीने पहले का एक इंसिडेंट दिखाता है, जिसमें हम सेल्वम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आँखों से देख नहीं सकता था और इसीलिए वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहता था। लेकिन इस बीच एक दिक्कत थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने घर में अकेला था और अपने पिता के पुराने घर में रहता था। हालांकि उसका वो पुराना घर ऐसी लोकेशन पर था जहां उसकी कीमत काफी थी। इस बीच हम देखते हैं कि सेल्वम स्पिरिट्स से बातें करके उनको पीस देने की शक्ति रखता था और ये हुनर उसे अपने पिता से मिला था, जो खुद तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे। अब सेल्वम की बात करें तो वो पढ़ना चाहता था और अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करना चाहता था, लेकिन 3 बार ट्राई करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया था। उसकी टीचर पूजा उसके डेडिकेशन को जानती थी और उसकी मदद भी करना चाहती थी, इसलिए वो सेल्वम की एग्जाम में उसकी मदद करने के लिए सोचती है। लेकिन सेल्वम चीटिंग से एग्जाम्स क्लियर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पूजा से साफ साफ मना कर देता है। फिर एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि पूजा ने अपने पिता को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था, क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं था और पूजा खुद को इस बात का जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि उस दिन वो अपने काम के लिए लेट हो रही थी और इसीलिए वो अपने पिता को हेलमेट देना भूल गई थी। अब सेल्वम को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो पैसों का जुगाड़ करने के लिए एक पब्लिशर के पास उन नोट्स को लेकर जाता है जो उसके पिता ने तंत्र मंत्र के बारे में लिखकर तैयार किए थे। लेकिन तभी पब्लिशर कहता है कि आज के जमाने में कौन ऐसी चीजों को पढ़ता है, आज के लोग आधुनिक हो गए हैं और उन्हें ये सब बकवास लगता है। खैर, अब बातों ही बातों में सेल्वम उस पब्लिशर से अपने घर के बारे में बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पब्लिशर एक रियल एस्टेट एजेंट भी था, इसलिए वो सेल्वम के घर में इंटरेस्ट दिखाता है और कहता है कि जब भी तुम्हें उसको बेचना हो तब मुझे बताना। इस बीच वो पब्लिशर सेल्वम को एक ऐसी हॉन्टेड जगह के बारे में बताता है जहाँ का ओनर वहाँ के लोगों से काम करवाना चाहता था, लेकिन वहाँ मौजूद स्पिरिट्स ने ऐसा नहीं होने दिया और वो काम रुक गया। इतना ही नहीं, वो बताता है कि बाद में कई लोगों ने अपने तंत्र मंत्र से उन स्पिरिट्स को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इसके बाद सेल्वम उसे बताता है कि मैं स्पिरिट से बातें कर सकता हूँ और उन्हें वहाँ से जाने के लिए मना सकता हूँ। इस तरह वो पब्लिशर से एक डील करता है और 1,00,000 रुपए के लिए खुद उस जगह को देखने चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक स्पिरिट को कैप्चर करके रिलैक्स करने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ एक और दूसरी स्पिरिट है जो पहली वाली स्पिरिट से बहुत ताकतवर और खूंखार है। अब वो उसे जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल आता है और कहता है कि वो तैयारी करके दोबारा वहाँ आएगा। इस बीच सेल्वम को पता चलता है कि उसने लाइब्रेरी में जो अपनी तंत्र मंत्र की बुक्स छुपा रखी थी उसमें से एक बुक गायब थी, यानी कोई उसे लाइब्रेरी से ले गया था। अब ये जानकर सेल्वम बहुत परेशान हो जाता है। फिर जब वो वापस जाने लगता है तो उसको एक हरे रंग की कांच की बोतल चेज करने लगती है, जिससे डरकर सेल्वम अपने चलने की रफ्तार बढ़ा लेता है। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो ग्रीन बोतल वाली स्पिरिट उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, तो वो डिसाइड करता है कि उसकी मदद से वो उस हॉन्टेड जगह को पूरी तरह से ठीक कर देगा। अब ये बात जब सेल्वम के पिता के दोस्त को पता चलती है तो वो उसे इन सब चीजों में पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि सेल्वम के पिता की मौत भी इन्हीं चीजों की वजह से हुई थी। लेकिन सेल्वम पूरी तैयारी करके उस जगह पर फिर से जाता है और वो उस स्पिरिट को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद वो उस पब्लिशर को कॉल करता है जो खुद उस वक्त सेल्वम के घर को इंस्पेक्ट करने के लिए आया था। उधर सेल्वम अपने पिता के दोस्त के थिएटर में था, लेकिन जब वो उसे वहाँ नहीं मिलते तो वो उन्हें कॉल करता है
कॉल करने पर वो उसे बताते हैं कि सेल्वम को उस बोतल में कैद स्पिरिट को ठीक 24 मिनट में आजाद करना होगा, वरना तांत्रिक रूल्स के हिसाब से बात बिगड़ जाएगी। ये सुनकर अब सेल्वम ऐसा करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पब्लिशर के भेजे हुए कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि सेल्वम के फिंगरप्रिंट्स चाहते थे ताकि पब्लिशर उन फिंगरप्रिंट्स की मदद से सेल्वम का घर हासिल कर सके। खैर, इसके बाद वो गुंडे सेल्वम को बुरी तरह से मारते हैं और उसके फिंगरप्रिंट्स को ले जाते हैं, और इस सब में हमें पता चलता है कि सेल्वम की मौत हो चुकी है। फिर रात में सेल्वम के पिता के फ्रेंड को उसकी बॉडी मिलती है, जो फौरन इस बारे में पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस उनसे पूछती है कि क्या आप इस लड़के को जानते थे, तो वो साफ मना कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुलिस को उनकी तंत्र मंत्र वाली पहचान के बारे में पता चल सके। इस तरह उस मूवमेंट पर पुलिस भी सेल्वम की पहचान नहीं कर पाती और कुछ दिन गुजर जाते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस के पास पूजा आती है, जिसके साथ सेल्वम जैसा एक और विजुअली इम्पेयर्ड आदमी होता है, जो असल में सेल्वम का दोस्त था। वो वहाँ सेल्वम के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, लेकिन तभी सेल्वम के बारे में सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे सेल्वम की बॉडी के फोटो दिखाते हैं, जिससे पूजा उसको पहचान लेती है और शॉक्ड होते हुए कहती है कि ये तो सेल्वम है, आखिर इसको किसने मारा। फिर जब पूजा उन फोटोज को देख रही होती है तो उसमें से एक फोटो में से उसे एक नंबर लिखा मिलता है, जो उस तरह से लिखा था जैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी लिखता है। पूजा समझ जाती है कि ये नंबर असल में सेल्वम ने ही लिखा होगा जब उसकी मौत होने वाली थी, इसलिए वो अगले दिन ही सेल्वम के घर जाती है, जहां उसे उस पब्लिशर का बोर्ड लिखा मिलता है जिसने सेल्वम के मरने के बाद उसके फिंगरप्रिंट्स की मदद से वो जगह अपने नाम कर ली थी। वेल, अब पूजा घर के अंदर जाती है, जहां उसे सेल्वम के कमरे में से कुछ कैसेट्स मिलते हैं, और उनमें से एक कैसेट पर ठीक वही नंबर होता है जो उसने पुलिस स्टेशन में फोटो पर देखा था। वो उस कैसेट को निकालती है और उसे पता चलता है कि वो कैसेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके बाद वो उस कैसेट को सुनती है, जिसमें एक बार सेल्वम ने पूजा के मरे हुए पिता से कनेक्शन बनाकर उनसे बात करने की कोशिश की थी, और उसमें पूजा के पिता का कहना था कि उनके मरने में पूजा की गलती नहीं थी, वो सब होना था और हो गया, इसलिए पूजा को इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। अब ये सब सुनकर पूजा का गिल्ट काफी हद तक कम हो जाता है, और उसे भी ये एहसास होता है कि मरते वक्त भी सेल्वम उसके बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने वो नंबर लिखा ताकि पूजा उस नंबर को देखे, कैसेट को सुने और गिल्ट से बाहर निकल आए। अब पूजा सोचती है कि सेल्वम की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, ऊपर से वो अपना घर बेचना चाहता था, तो ये पब्लिशर ने इतनी जल्दी घर कैसे खरीदा होगा। इस तरह उसे पब्लिशर पर शक होता है और वो उससे कुछ सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन उसके सवाल सुनकर वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पूजा दोबारा सेल्वम के घर जाती है ताकि वो वहाँ से उस फोन और कैसेट को ले जा सके, लेकिन जैसे ही वो उन चीजों को लेकर जाने लगती है तभी वो फोन अचानक रिंग करने लगता है। पूजा ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस वक्त फोन किसी भी लाइन से कनेक्ट नहीं था, तो उस पर आखिर रिंग कैसे आ सकती थी। लेकिन पूजा फिर भी डरते डरते उस फोन को पिक करती है और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज उसके होश उड़ा देती है, क्योंकि दूसरी तरफ लाइन पर सेल्वम की स्पिरिट होती है जो पूजा से बात करने लगता है, और पूजा उससे उसकी मौत के बारे में पूछने लगती है। लेकिन यहाँ पूजा को क्या पता चला और सेल्वम ने उसे क्या बताया, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, अब आते हैं मूवी के दूसरे हिस्से में, जिसकी शुरुआत डॉक्टर इंद्रन नाम के एक साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक से होती है, जहां उनका एक पेशेंट अचानक से गुस्से में अंदर आता है और डॉक्टर से कहता है कि मैं अब और काबू नहीं कर सकता, और इतना कहकर वो डॉक्टर को शूट कर देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। अब दोस्तों, एक बात याद रखना कि ये वही जगह है जिस जगह से सेल्वम ने उन स्पिरिट्स को हटाया था, यानी ये इंसिडेंट सेल्वम के मरने से भी पहले वहाँ पर हुआ था। फिर हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट से डॉक्टर इंद्रन बच तो जाते हैं, लेकिन वो कोमा में चले जाते हैं, और कई दिनों बाद जब वो होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोली की वजह से उन्होंने अपना वॉइस बॉक्स खो दिया है, यानी वो अब किसी से बात नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, उनके उस पेशेंट ने उस दिन उन्हें शूट करने से पहले उनकी पूरी फैमिली को भी मार दिया था। फिर होश में आने के बाद जब डॉक्टर को ये सब पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, और तो और इतने दिन कोमा में रहने के कारण उनसे उनका मेडिकल लाइसेंस भी ले लिया गया था, क्योंकि इस वक्त वो किसी को भी ट्रीट करने की हालत में नहीं थे, बल्कि उन्हें खुद ट्रीटमेंट की जरूरत थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर इंद्रन के इस क्लिनिक को किसी दूसरे आदमी ने खरीद लिया तो उसे इस जगह पर कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ था, जिसकी वजह से उसने सेल्वम को यहाँ पर बुलाया था।
अब ये तीनों प्लॉट्स कई जगह पर एक दूसरे के सामने आते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप कैरेक्टर्स को ध्यान से सुनते रहेंगे तो कहानी साफ साफ आपकी आंखों के सामने रहेगी। वेल, क्योंकि डॉक्टर इंद्रन का वॉइस बॉक्स निकल चुका था, इसलिए उन्हें एक दूसरा डिवाइस दिया जाता है जिससे वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसके बाद वो मेडिकल काउंसिल के मना करने के बाद भी कुछ समय के बाद अपने पुराने पेशेंट से कांटेक्ट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये सब वो छुपकर करते हैं ताकि उनके फ्रेंड्स और काउंसिल को इस बारे में पता ना चले। लेकिन इस बीच एक चीज अजीब होती है कि उनके पेशेंट्स में काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट्स नजर आने लगते हैं। अब डॉक्टर इंद्रन के जो मरीज थे उनमें से एक प्रदीप नाम का मरीज था और जिसकी देखभाल उसकी बहन पूजा करती थी, और ये वही पूजा थी जो सेल्वम की टीचर हुआ करती थी। यानी प्लॉट का ये पार्ट सेल्वम की डेथ के बाद का है। वेल, प्रदीप का एक फ्रेंड भी होता है जो उसे विजिट करने आता है और उसका नाम होता है विनोद। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मूवी का तीसरा और आखिरी प्लॉट विनोद के ऊपर ही बेस्ड है। खैर, अब विनोद एक दिन प्रदीप को देखने आता है और इस बीच वो प्रदीप के सामान में से एक बुक को निकालता है जिसे एक दिन विनोद ने ही प्रदीप को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसके बाद विनोद इस बुक में से अपना बर्थडे मैसेज वाला लेटर निकाल देता है ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि ये बुक विनोद ने ही प्रदीप को दी थी। लेकिन आखिर विनोद ऐसा क्यों कर रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब विनोद जब ऐसा करके वापस पीछे मुड़ता है तो उसे अपने पीछे प्रदीप खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। और इसलिए नहीं कि वो उसके पीछे खड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रदीप अपने आप मूव ही नहीं कर सकता था, जबकि अब वो अपने पैरों पर आराम से खड़ा था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो बुक हम विनोद के हाथ में देखते हैं, ये वही बुक होती है जो उस लाइब्रेरी में रखी सेल्वम की बुक्स से गायब हो गई थी। खैर, उधर डॉक्टर इंद्रन के मरीज एक एक करके ठीक होने लगते हैं, जो काफी शॉकिंग बात थी। और ये बात अब उनका बेस्ट फ्रेंड नोटिस कर लेता है, क्योंकि वो इन चीजों पर बहुत ध्यान रखे हुए था। उसका दोस्त रियलाइज करता है कि डॉक्टर इंद्रन ने अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज कर दिया है, और यहाँ तक कि अपने डॉक्टर जो खुद डॉक्टर इंद्रन की देखभाल कर रहे थे उनको भी हिप्नोटाइज कर रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर इंद्रन का एक डॉक्टर जिसे उन्होंने हिप्नोटाइज कर रखा था, वो पहले डॉक्टर इंद्रन के फ्रेंड को मारता है और फिर खुद को भी मार लेता है। इसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर इंद्रन के सारे पेशेंट्स एक एक करके खुद को मार लेते हैं, जिसमें प्रदीप भी शामिल होता है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर इंद्रन का क्या होता है, ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। तो अब बारी आती है इस मूवी के फाइनल प्लॉट की, जो हमें विनोद की स्टोरी को दिखाता है। हमें पता चलता है कि विनोद एक क्रिकेट कोच था और आए दिन उसके घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहता था। असल में ये सब उसके घर में तब शुरू होता है जब टेलीफोन कंपनी उसके घर के फोन को रिपेयर करने के बाद उसके घर में पुराना फोन रिप्लेस कर देती है। दोस्तों, इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि ये प्लॉट तब स्टार्ट होता है जब प्रदीप जिंदा था और डॉक्टर इंद्रन उसका इलाज करते थे। खैर, विनोद का सेलफोन खराब हो गया था और वो सिर्फ लैंडलाइन यूज करता था। अब चूंकि विनोद की गर्लफ्रेंड मानसी इस वजह से उससे समय पर कांटेक्ट नहीं कर पाती थी, इसलिए वो उससे थोड़ी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। इस वजह से विनोद भी उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, जो बात मानसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इस बीच हम देखते हैं कि इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान विनोद को घर में कई आवाजें सुनाई देती रहती हैं, और एक बार ये सब मानसी के सामने भी होता है, पर उसे वो आवाजें नहीं सुनाई देती, बल्कि उसे लगता है कि विनोद के ही दिमाग में कुछ कमी है, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। असल में विनोद अपने आप में गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका सोचना था कि उसने जो किताब प्रदीप को दी थी उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से प्रदीप का मानसिक संतुलन खराब हुआ और उसकी हालत ऐसी हुई। इस बीच अगले दिन मानसी वापस विनोद से मिलती है और उसे इन सारी चीजों को हल्के में लेने के लिए कहती है, और साथ में वो उसे एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेने को भी सजेस्ट करती है ताकि विनोद इस बात को भूल सके। अब मानसी की बात मानते हुए विनोद डॉक्टर इंद्रन को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेता है, जिसे विनोद ने पहली बार प्रदीप के घर पर देखा था। खैर, अब विनोद जब अपने घर पर बाथटब में नहा रहा होता है तो उसे एक कॉल आता है, और दूसरी तरफ कॉल पर विनोद को प्रदीप की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि विनोद से कहता है कि उसे वो किताब नहीं देनी चाहिए थी और अब विनोद भी नहीं बचेगा। ये सुनकर अब विनोद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर दिन में कोचिंग खत्म होने के बाद शाम को जब विनोद घर पर आता है तो उसे पूजा का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि प्रदीप ने खुद को मार दिया। पूजा कहती है कि यह सब सुबह के 10:15 हुआ था। तो ये सुनकर विनोद का गला एकदम से सूख जाता है, क्योंकि उसे प्रदीप का कॉल सुबह 11 बजे आया था। यहाँ विनोद समझ जाता है कि जब प्रदीप ने उसको कॉल किया तब वो मर चुका था और उसकी स्पिरिट ने ही उसको कॉल करके
उस किताब के बारे में बोला था। इसके बाद विनोद प्रदीप के सभी कॉन्टेक्ट्स को फोन करके ये न्यूज देता है और ठीक रात के 8 बजे जब उसका डॉक्टर इंद्रन के साथ अपॉइंटमेंट था तब वो एक कॉल लगाता है जिसमें फोन उठाने वाला शख्स विनोद से कहता है कि विनोद ने ही प्रदीप को वो बुक देकर उसकी जान को खतरे में डाला। ये बात सुनकर विनोद काफी डर जाता है और तभी वहाँ मानसी आती है जो डॉक्टर इंद्रन से मिलने आई थी ताकि वो विनोद की तबीयत के बारे में उनसे बात कर सके। लेकिन डॉक्टर इंद्रन वहाँ पर आते ही नहीं जिससे मानसी को लगता है कि शायद विनोद ने ही अपॉइंटमेंट नहीं लिया होगा। अब विनोद और मानसी साथ में वहाँ से बाहर जाते हैं जहाँ विनोद उसे प्रदीप के कॉल के बारे में बताता है। फिर विनोद मानसी को वो नंबर बताता है जिसमें उसने उस स्ट्रेंज आदमी से बात की थी। लेकिन जब जब वो उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है तो वापस फोन कनेक्ट नहीं होता। खैर अब विनोद को बार बार उस आदमी का कॉल आने लगता है और फाइनली जब वो उस नंबर को ट्रेस करता है तो वो एड्रेस असल में एक घर का होता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि सेल्वम का घर था। इसके बाद विनोद खुद जाकर सेल्वम के घर को चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो वापस एक पब्लिक फोन बूथ पर जाकर मानसी को कॉल करता है और उसे उस नंबर पर 7 मिनट तक कॉल करने को कहता है। अब विनोद दोबारा उस घर के पास जाता है और वहाँ उसे किसी के फोन की रिंग सुनाई नहीं देती। उसे लगता है कि शायद मानसी ने कॉल नहीं किया इसलिए वो वापस बूथ पर जाकर मानसी को कॉल करता है और पूछता है कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया, मैं वहाँ पर वेट कर रहा था। लेकिन तभी मानसी उसे बताती है कि उसने उस नंबर पर कॉल किया था और किसी ने फोन पर कहा कि विनोद की जान खतरे में है। ये सुनकर विनोद अब समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद दिन निकलते जाते हैं और विनोद के घर में उस आदमी का कॉल आता रहता है। साथ में उसके घर में वो हॉन्टेड एक्टिविटीज भी होती रहती हैं जिससे विनोद के दिमाग पर असर पड़ने लगता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस आदमी को विनोद की सारी हरकतों के बारे में पता भी रहता है, इंक्लूडिंग ये कि विनोद सेल्वम के घर पर भी गया था। वो विनोद को ये कहकर टॉर्चर करता है कि विनोद एक डरपोक है और इस तरह से वो उसकी जान लेना चाहता था। विनोद अब ये सोचकर कंफ्यूज होने लगता है कि ये जो सब उसके साथ हो रहा है वो रियलिटी है या फिर सिर्फ उसके दिमाग की सोच है और उसे कोई मेंटल बीमारी है। अब इस बात को टेस्ट करने के लिए वो एक ताश का पत्ता लेता है और उसके साथ एक फोटो खींचता है और उसे मानसी को भेज देता है। इसके बाद जब विनोद उस आदमी से फोन पर बात करता है तो वो उससे प्रूफ मांगता है। ये सुनकर वो कॉलर उसे वो कार्ड वापस चेक करने को बोलता है तो विनोद देखता है कि उस कार्ड में जोकर है जबकि जब उसने कार्ड की फोटो ली थी तो वो 8th of space था। इसके बाद वो मानसी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जो फोटो मैंने तुमको भेजा है उसमें तुमको कौन सा कार्ड दिख रहा है। तो मानसी कहती है कि उसमें जोकर है। अब ये सुनकर विनोद सहम जाता है और अपने बाकी कार्ड्स को वापस चेक करने लगता है। चेक करने पर उसे वो 8th of space उन्हीं कार्ड्स में मिलता है लेकिन जैसे ही वो उसको उठाकर वापस पलटकर देखता है तो उसमें भी जोकर बन जाता है। ये चीज उसके रोंगटे खड़े कर देती है और इसके बाद वो देखता है कि फोन किसी को अपने आप डायल हो रहा है। फिर विनोद जैसे तैसे रिसीवर के पास जाकर बात करता है और सोचता है कि वापस वही आदमी फोन पर होगा लेकिन ऐसा नहीं होता और इस बार उसे किसी दूसरे आदमी की आवाज आती है। उसका नाम होता है मनोज। मनोज फौरन विनोद से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर अगले दिन जब विनोद मनोज से मिलता है तो मनोज बताता है कि वो सेल्वम का दोस्त है और जिस नंबर के मालिक को वो ढूंढ रहा है वो असल में सेल्वम का हुआ करता था। मनोज ये कंफर्म करता है कि जिस घर में विनोद गया था वहाँ सेल्वम रहा करता था और उसकी मौत 8 महीने पहले हो चुकी है। इसके बाद विनोद सेल्वम के नंबर को ट्राई करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। फिर घर में आकर विनोद कैमरा सेट करने लगता है ताकि अगर घर में कोई एक्टिविटी हो तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके क्योंकि वो अब उस कॉलर के मोटिव को जानना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो कॉलर कोई और नहीं बल्कि सेल्वम है जिसका मर्डर कर दिया गया था। लेकिन इस बीच एक चीज और होती है कि घर में जो कुछ भी होता है वो कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं होता और इस वजह से विनोद फ्रस्ट्रेट होने लगता है। फिर वो कॉलर वापस विनोद को कॉल करके उसे चिढ़ाता है लेकिन इस बार विनोद डरने की जगह अपना टेम्पर ही खो देता है। इसके बाद वो अगले दिन उस घर से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो घर के अंदर ही लॉक हो जाता है जिसके बाद वो फौरन पूजा को कॉल करके बुलाता है। फिर विनोद जब अपनी चाबी को उठाने जाता है तो वो चाबी अपने आप मूव होने लगती है
अब पहले तो विनोद सहम जाता है, लेकिन अगले ही पल वो नोटिस करता है कि उस चाबी में लगा हुआ डाइस हर मूवमेंट पर अपने नंबर्स बदल रहा है। फिर विनोद उस पैटर्न को समझता है और उससे मिले नंबर को नोट करने के बाद वो रियलाइज करता है कि ये नंबर तो असल में उसके फोन का ही है। इसके बाद वो अपने फोन नंबर की स्लिप को निकालता है और उसके पीछे जो नंबर लिखा मिलता है वो असल में सेल्वम का नंबर होता है। तभी वहाँ पूजा आती है और वो फौरन विनोद को अनलॉक करती है। इसके बाद विनोद पूजा के फोन से सेल्वम के नंबर पर कॉल करता है और इसी बीच वो देखता है कि पूजा के फोन में वो नंबर ऑलरेडी सेल्वम के नाम से सेव्ड है। उसके पूछने पर पूजा बताती है कि सेल्वम उसका ही स्टूडेंट हुआ करता था जिसकी 8 महीने पहले मौत हो चुकी है। फिर विनोद जब उस नंबर पर कॉल करता है तो उल्टा उसी के घर का टेलीफोन बजने लगता है। फिर गुस्से में विनोद घर के अंदर ये जानने के लिए जाता है कि सेल्वम उसे परेशान क्यों कर रहा है, आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर पूजा के फोन पर सेल्वम की कॉल आती है और उसकी स्पिरिट पूजा को बताती है कि विनोद की जान खतरे में है। अब जब तक पूजा अंदर जाती तब तक विनोद अपने फोन को तोड़ चुका होता है, लेकिन पूजा उसे बताती है कि सेल्वम असल में उसे परेशान नहीं कर रहा बल्कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कहती है कि सेल्वम ने बताया कि कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है और उससे तुम्हारी जान को खतरा है। अब विनोद को ये सुनकर पछतावा होता है कि आखिर उसने फोन क्यों तोड़ा, इसलिए वो दोनों तुरंत फोन को रिपेयर करवाने के लिए चले जाते हैं। असल में वो फोन एक मीडियम था जिसके जरिए किसी भी स्पिरिट से बात की जा सकती थी और फिल्म की शुरुआत में हमने देखा भी था कि सेल्वम इसी की मदद से स्पिरिट से बात किया करता था। अब जब तक वो फोन ठीक होता है हम यहाँ फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे डॉक्टर इंद्रन ने अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करके मारा था और कैसे प्रदीप की मौत के वक्त डॉक्टर इंद्रन विनोद से अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक हादसा होता है, प्रदीप की बॉडी उल्टा डॉक्टर के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर की भी मौत हो जाती है और यही वजह थी कि अपॉइंटमेंट के बाद भी वो विनोद के घर नहीं जा पाते। खैर दूसरी तरफ अब विनोद को लगने लगता है कि वो कॉलर कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की स्पिरिट है जो कि उससे इस बात का बदला लेना चाहती है कि आखिर विनोद ने प्रदीप को वो बुक गिफ्ट क्यों की। इस बीच विनोद डॉक्टर इंद्रन के बारे में गूगल करता है ताकि वो पता कर सके कि शायद उनके पास उनके पेशेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन वो इंटरनेट पर ही एक ऐसी न्यूज पढ़ता है जिससे उसका दिमाग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसमें लिखा था कि डॉक्टर इंद्रन ने ही खुद अपने पेशेंट्स को मरवाया था और वो खुद भी अब मर चुके हैं। ये जानकारी विनोद को पूरी तरह से हिला देती है और फिर जब वो फोन ठीक हो जाता है तो ठीक होते ही उसमें रिंग बजती है जिसके बाद विनोद उस फोन को लेकर सीधा ब्रिज के तरफ भागता है। विनोद समझ चुका था कि आखिर फोन पर कौन होगा और उसका शक सही भी निकलता है। वो फोन को रिसीव करता है जिसमें दूसरी तरफ से कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर इंद्रन की स्पिरिट होती है जो विनोद को ब्रिज से कूदने को कहता है। यहाँ इंद्रन की स्पिरिट रिवील करती है कि जब उसके पेशेंट ने उसको शूट किया था तो वो बच भले ही गया लेकिन उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका पेशा, घर और परिवार सब कुछ उसके पेशेंट ने खत्म कर दिया था, इसलिए वो चाहता था कि वो अपने सारे पेशेंट्स जो कि मेंटली इल हैं उनको मार दे। और चूंकि विनोद ने उससे अपॉइंटमेंट फिक्स की थी इसलिए मरने के बाद भी डॉक्टर इंद्रन उसे मारना चाहता था। वो सभी मेंटली इल लोगों को इस दुनिया से हटाना चाहता था क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं और यही वजह थी कि उसने अपने सारे पेशेंट्स को मरवाया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सच और रिवील होता है कि जिस पेशेंट ने डॉक्टर इंद्रन को शूट किया था और फिर अपनी जान ली थी उसकी स्पिरिट उनके क्लिनिक में ट्रैप थी जिसको बाद में सेल्वम ने जाकर अपनी बोतल में कैद किया था। फिर इसके ठीक बाद थिएटर में जब गुंडे सेल्वम को मारते हैं तो वो लड़ाई के बीच उस स्पिरिट वाली बोतल को तोड़ देते हैं जिससे वो स्पिरिट वहां से निकलकर सीधा प्रदीप के पास पहुंचती है और उसे अपने वश में कर लेती है। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विनोद ने प्रदीप को जो बुक गिफ्ट की थी वो असल में तंत्र मंत्र विद्या के बारे में थी और चूंकि प्रदीप उस बुक पर काम कर रहा था इसलिए उस स्पिरिट के लिए प्रदीप को वश में करना आसान था। और इसी स्पिरिट ने जब देखा कि डॉक्टर इंद्रन उसके शूट करने के बाद भी बच गया है तो उसने प्रदीप का सहारा लेते हुए उसको अपने वश में किया और डॉक्टर इंद्रन की जान ले ली। अब जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर इंद्रन की लास्ट अपॉइंटमेंट विनोद के साथ थी इसलिए अपना पेशेंट होने के नाते वो उसे भी खत्म करना चाहता था। लेकिन जब सेल्वम की स्पिरिट को ये बात पता चली तो वो डॉक्टर इंद्रन को अपोज करता रहा और विनोद को बचाता रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बुक सेल्वम की थी और वो सोचता था कि ये सब उसकी ही बुक की वजह से हुआ है।
और वो विनोद ही था जिसने एक दिन लाइब्रेरी में जाकर सेल्वम की किताब ली थी और उसे प्रदीप को गिफ्ट कर दिया था। इस बीच जब फोन पर इंद्रन की स्पिरिट विनोद को कूदने के लिए बार बार उकसा रही होती है, तभी सेल्वम मौका पाकर विनोद को पोजेस कर लेता है और फोन पर इंद्रन से कहता है कि विनोद से दूर रहो और इस दुनिया से चले जाओ। डॉक्टर इंद्रन की स्पिरिट उसकी बातों पर हंसती है और इंद्रन कहता है कि तुम और मैं इस दुनिया से इस फोन के जरिए जुड़े हैं और ना तो तुम इस फोन को छोड़ सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे पिता का था और ना मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि मुझे विनोद को खत्म करना होगा अपनी शांति के लिए। लेकिन तभी सेल्वम एक पल सोचता है और दूसरे ही पल वो उस फोन को डिसमेंटल करके पानी में फेंक देता है ताकि वो और डॉक्टर इंद्रन हमेशा के लिए इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं। फोन को फेंकने से पहले सेल्वम डॉक्टर इंद्रन से ये भी कहता है कि अब विनोद ठीक हो चुका है और अपने डर पर काबू पा चुका है, इसलिए वो अब उसका पेशेंट नहीं है। इसके बाद विनोद होश में आ जाता है और उसे वो सब याद होता है जो अभी अभी सेल्वम ने डॉक्टर इंद्रन से कहा था। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि कैसे पूजा ने सेल्वम के फोन से बात करके सेल्वम को पब्लिशर के बारे में बताया था और सेल्वम ने फोन के ही जरिए पब्लिशर को मारकर अपना बदला ले लिया था और अपना घर बिकने से बचा लिया था। और इसी पॉइंट पर होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, ये फिल्म तो काफी बढ़िया है लेकिन इसकी एक चीज ऐसी है जो मुझे पसंद नहीं आई। इस मूवी में काफी सारी मूवीज की तरह ये दिखाया गया है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल इल आदमी है तो वो गलत काम ही करता है। साथ ही इस मूवी में डिप्रेशन को एक हार्मफुल तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, जैसे कि डिप्रेस्ड लोग बीमार होते हैं और उनका कोई पर्पस नहीं होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे समाज में स्टीरियोटाइप्स कम नहीं हैं, तो ऐसी चीजों को बहुत ही केयरफुली पोर्ट्रेट करना चाहिए क्योंकि किसी कैरेक्टर को मेंटली अनस्टेबल बताकर उससे नेगेटिव काम करवाना है तो इजी राइटिंग के चलते फिल्म मेकर्स बार बार इसी थीम का सहारा लेते हैं जो ठीक नहीं है। खैर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आई एक्सप्लेन मूवीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।